हेलो एवरीवन। सो अभी हम आ गए हैं केसीसी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, जो कि है कॉलेज इन ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश। सभी स्टूडेंट रेडी हो गए हैं मनाली जाने के लिए। मनाली की वादियों को एक्सप्लोर करने के लिए सभी स्टूडेंट्स रेडी हैं। सभी ने अपना बैग पैक कर लिया है और बसेस भी आ गई हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, सभी अभी बसेस में बैठेंगे सभी स्टूडेंट्स, और उसके बाद हम अपनी जर्नी स्टार्ट करेंगे मनाली के लिए। ये 250 पैक्स का कॉलेज ग्रुप टूर है जो मनाली जा रहे हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, बसें स्टार्ट होते ही सबने डांस करना शुरू कर दिया। एक अलग ही फीलिंग होती है ये, जब आप जिन लोगों के साथ आप पढ़ रहे हैं, आपके क्लासमेट हैं, उनके साथ आप ट्रैवल करने जा रहे हैं, और वो भी मनाली जैसी जगह पर आप जा रहे हैं, एक्सप्लोर करने जा रहे हैं, तो उसका एक अलग ही फीलिंग होती है। तो सभी डांस करते करते हम पहुँच जाते हैं मुरथल। मुरथल में हम स्टॉप लेते हैं गरम धर्म ढाबा, जहाँ पे सब अपना डिनर करते हैं, और उसके बाद थोड़ा बहुत यहाँ पे पिक्स विक्स क्लिक करते हैं और हम अपनी जर्नी दोबारा से स्टार्ट करते हैं मनाली के लिए। फाइनली हम मनाली पहुंच गए। अभी हम होटल में सभी चेक इन करेंगे, उसके बाद फ्रेश व्रेश हो गए, हमें अपन जाना है सोलांग वैली के लिए। तो आ गए हैं हम सोलांग वैली। आप देखिए यहाँ पे सभी लोग अभी थोड़ा एक्सप्लोर कर ले रहे हैं यहाँ पे। उसके सोलांग वैली को एक्सप्लोर कर लिया है, कुछ चीज की है, पिक्स विक्स क्लिक करवाई है। तो अभी हम यहाँ से जा रहे हैं, हमें जाना है माल रोड, उसको एक्सप्लोर करेंगे। देखो पीछे पैराग्लाइडिंग हो रही है। माल रोड को एक्सप्लोर करेंगे, फिर होटल जाएंगे, वहाँ पे डीजे वगैरह का अरेंजमेंट है, वो वहाँ पे डांस वांस करेंगे सभी लोग, और इसके अदर देन डिनर करेंगे। और कल का हमारा प्लान है रोहतांग पास जाना। एक्टिविटीज़ यहाँ पे क्यों नहीं की, क्योंकि यहाँ पे लाइक इतना अच्छा नहीं है, अभी स्नो वगैरह भी नहीं है। तो हम जाएंगे कल रोहतांग पास जाएंगे, वहाँ पे स्नो वगैरह भी होगी, तो स्नो एक्टिविटीज़ अच्छे से कर पाएंगे, वहाँ पे पैराग्लाइडिंग भी कर पाएंगे। और उसके अगले दिन हम जाएंगे कुल्लू, कुल्लू में हम रिवर राफ्टिंग करेंगे। तो ये बेसिकली अभी हमारा प्लान है, सो इस प्लान को एग्जीक्यूट करते हैं। तो अभी ये देखिए पैराग्लाइडिंग कितना बढ़िया लग रहा है, वाहो ग्रेट। देखिए आप यहाँ पे पैराग्लाइडिंग हो रही है, कितना ज़बरदस्त लग रहा है पैराग्लाइडिंग करते हुए। पीछे माउंटेन जिसपे स्नो, स्नो माउंटेन आप कह सकते हैं, स्नो है उस माउंटेन पे, और ये पैराग्लाइडिंग करते हुए आ रहा है। और ये चारों तरफ का नज़ारा यहाँ से, वहाँ पे भी स्नो है इन सोलांग वैली। ये रोप वे, आप ऊपर जा सकते हैं रोप वे से, ऊपर से आपको और अच्छा व्यू मिलेगा। और अभी हम यहाँ से चलते हैं, हम जा रहे हैं अब माल रोड, माल रोड को एक्सप्लोर करेंगे और उसके बाद फिर होटल। सोलांग वैली और मॉल रोड एक्सप्लोर करने के बाद सभी लोग होटल में आने के बाद सभी ने डांस किया काफ़ी देर तक और डिनर किया। अभी देखिए ब्रेकफास्ट कर रहे हैं सभी लोग, और ये हमारे होटल से व्यू, ये होटल से व्यू, और ये सभी टेम्पो खड़े हुए हैं। तो आज हमारा प्लान है रोहतांग पास जाएंगे, रोहतांग पास जाना है, वहाँ पे जो स्नो एक्टिविटीज़ है वो करने के बाद हमें जाना है अटल टनल। और सभी लोग जो जिन्होंने ब्रेकफास्ट कर लिया वो सभी नीचे जा रहे हैं। तो अभी सभी देख सकते हैं आप, ये अभी यहाँ से जाएंगे हम रोहतांग पास।
पास यहाँ से है 17 किलोमीटर। अभी एक स्टॉप लिया है यहाँ पे, किसी को फोटो वोटो क्लिक करनी है, कुछ लेना वेना हो, कुछ खाना हो, फ्रेश व्रेश होना हो, वॉशरूम जाना हो। अरे टेंपल भी है वहाँ पे, तो अभी जाते हैं ऊपर टेंपल। ये हमारा टेंपो, वहाँ पे टेंपल है, वहाँ पे देखते हैं ऊपर व्यू, फिर कुछ यहाँ पे कुछ खा लेंगे और फिर चलते हैं आगे। बहुत ठंड है यहाँ पे तो यार, बहुत ठंडी हवा चल रही है। अभी यहाँ से 17 किलोमीटर दूर है रोहतांग पास, पिक्स पिक्स क्लिक करवाने के लिए रुक गए यहाँ पे। हम पहुंच गए हैं रोहतांग पास, सभी लोग कुछ एक्टिविटीज है यहाँ पे तो वो करेंगे अभी। सो आप यहाँ पे देखिए, सभी लोग स्नो में एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पे स्कूटर राइड कर सकते हैं, स्कीइंग कर सकते हैं, और भी छोटी मोटी एक्टिविटीज़ हैं यहाँ पे जो आप कर सकते हैं। और यहाँ पे मैगी खा सकते हैं, अभी हम खाएंगे मैगी, बाकी लोग अपनी एक्टिविटीज़ वगैरह कर रहे हैं। जिसका जो मन कर रहा है वो यहाँ पे करें, जिसको जो एक्टिविटी करनी है, खाना पीना है। और यहाँ पे देखिए स्नो, तो अभी हम खाएंगे मैगी, मैगी बन रही है। मेरे साथ हाँ हाँ चाय लूंगा मैं। पास से आ गए हैं, अभी हम हैं कोक्सर। तो अभी यहाँ पे स्टॉप हुई है हमारी टेम्पो, तो कुछ चाय वाय यहाँ से लेंगे, मैगी खाएंगे यहाँ पे। सबसे पहले तो आप देखिए व्यू, और फिर हम चलेंगे अटल टनल, आप देख सकते हैं। और ये यहाँ पे ढाबा, हिमालयन ढाबा, कैंप एंड होम स्टेज अवेलेबल। ये टॉयलेट यहाँ पे, और ये कुछ इस तरह का यहाँ पे व्यू, ग्रेट। हेलो, वीडियो बन रही है। हम केसीसी के बालक हैं, हम मनाली घूमने आए हैं। ये देखिए अटल टनल, और ये यहाँ से व्यू क्लिक करवा ली है। और यहाँ से अब हम चलते हैं, अब देखिए हम अटल टनल से होते हुए जाएंगे। सो ये है अटल टनल नॉर्थ पोर्टल, और जिस साइड हम एग्जिट करेंगे वो है साउथ पोर्टल। सो अभी आप देखिए यहाँ पे, वेलकम टू अटल टनल। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अबे वो बोल के विंडो बोल के कोई नहीं बोलेगा। नमो पार्वती पते हर हर महादेव।
तो ये अब हम अटल टनल के अंदर आ गए हैं और ये देखिए अटल टनल अब ये इसी तरह से चलेगी पूरा 10 किलोमीटर तक। बोलो जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। सो हम साउथ पोर्टल पे आ गए हैं, अभी एग्जिट कर लिया है। थैंक्स एंड विजिट अगेन। साउथ पोर्टल पे हम एग्जिट कर लिया है हमने और यहाँ से व्यू देखिए आप। यहाँ तो अभी हम चलते हैं हमारे होटल, उसके बाद दोबारा से माल रोड पे जाना है, कुछ लोगों को शॉपिंग करनी है। तो अटल टनल से हम पहुंच गए हैं सोलांग वैली। कल हम ऑलरेडी यहाँ पे आ चुके थे। हम अपने होटल में आ गए रोहतांग पास और अटल टनल को एक्सप्लोर करके। तो अब हमें डीजे तो वैसे होगा ही, आज डीजे म्यूज़िक वगैरह भी चलाएंगे, बोनफायर होगी और अपना डिनर करते हैं। सो ये देखिए हमारा होटल। तो अभी चलते हैं रूम में। होटल से चेकआउट करने के बाद हम पहुंच गए हैं कुल्लू। यहाँ पे जिन स्टूडेंट्स को रिवर राफ्टिंग करनी है वो रिवर राफ्टिंग कर रहे हैं, जिनको पैराग्लाइडिंग करनी है वो पैराग्लाइडिंग कर रहे हैं। और ये कंप्लीट टूर मैनेज किया है हॉलीडे ट्रायंगल, जो कि ट्रैवल कंपनी है दिल्ली में। अगर आपको भी इस तरीके के टूर पैकेजेस की रिक्वायरमेंट है तो आप हॉलीडे ट्रायंगल से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं कॉन्टैक्ट डिटेल्स मैंशन कर दूँगा। इसके बाद हम डिनर करते हैं और डिनर के बाद हम अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हैं और सुबह तक हम अपने कॉलेज नोएडा वापस पहुंच जाते हैं।